हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू 348 ब्लॉग। सो भाई, जय श्री राम। सो आज मार्केट बंद है एंड हम जा रहे हैं अक्रोस रैली में। सो जय श्री राम चलते हैं एंड दिखाते हैं आपको यहाँ का क्या सीन है आज का। तो भाई मार्केट सारी क्लोज है, पूरी मार्केट क्लोज है, मेडिकल स्टोर ओपन है सिर्फ, बाकी सब कुछ बंद है। एंड पहुँच रहे हैं हम यहाँ पे। तो भाई झंडा हमारा, पहुंच गए हैं हम। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं चौगान में एंड फिलहाल अभी क्राउड इकट्ठा हो रहा है, प्रॉपरली इकट्ठा नहीं हुआ है बट हो रहा है। जय श्री राम। शबीर को पकड़ गया, तीन आदमी देंगे भाई पुलिस का ये काम लगे, हमने खतरे बरामद हो गया और बंदे भी हमने रेस्ट कर लिए और तीन दिन पकड़ लिए। फिर मैंने कहा और आदमी एक बुहा था जो भी बच्ची भेड़ नहीं देखा, नहीं देखा। रैली के बाद बाहर आ गए हैं हम, नाव नाव जा रहे हैं। पहले सोच रहे हैं घर जाएं, फिर नदी में नहाने चलेंगे सोच रहा हूँ, बट पता नहीं क्या बनता है। पहले घर चलते हैं, देखते हैं, गाड़ी उड़ी निकालते हैं, टायर उड़ चेंज करवाना है गाड़ी का, तो पहले वो करेंगे, वो भी पता नहीं हो पाएगा या नहीं, बट पहले घर चलते हैं फिर देखते हैं। नहाना जरूरी है, पसीने पसीने हालत ख़राब हो गई है एंड भाई तगड़ी मौज आई रैली में। ये सब के बाद अभी जा रहे हैं हम बाइक तक एंड बाइक के बाद घर निकल जाएंगे। सो भाई साहब रैली के बाद घर आ गए थे हम और हालत थोड़ी सी ख़राब है, घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करा एंड उसके बाद घर का सीमेंट वगैरह आया था सो वो धुलवा के घर तक पहुंचवा के निकले हैं हम नदी में नहाने के लिए, बट पानी कुछ लग नहीं रहा है नहाने वाला, जाके देखते हैं। बट चलेंगे थोड़ी देर मस्ती तो करेंगे नदी की पानी की, तो फिलहाल पहले चलते हैं नाव। आज नेगी भी आया हुआ है तो ड्राइव नेगी से करवा रहा हूँ, ये प्रॉपरली ट्रेंड हो जाएगा तो बेटर हो जाएगा, कभी कभार साथ में एक आधा ड्राइवर होना ज़रूरी होता है। तो अभी ये ड्राइव कर रहा है बिल्कुल स्लोली, एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं है अभी इसको, तो चल रहा है ये आराम से चल रहे हैं। हम नदी तक जाएंगे, देखते हैं नहाने वाली सिचुएशन बनती है तो नहाएंगे, अगर नहीं तो नहीं नहाएंगे ऐसे पानी के साथ कर भी क्या लेंगे वैसे तो, बट चलते हैं देखते हैं क्या है। सो भाई नाव मैं खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि आगे का जो रोड है वो कुछ थोड़ा सा बवा सीर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी रोड। सो ये रोड है, अभी हम जा रहे हैं इस वाले रोड पे। तो भाई साहब खतरनाक रोड है ये, फिलहाल तो हुआ है भाई इधर कुछ काम भरा है इसको क्योंकि यहाँ पे नालियाँ बनी हुई थी एक दो वीक पहले आए थे हम, तो चल रहे हैं नाव इस रोड पे हम नीचे एंड क्या बोलते हैं बिल्कुल नदी के पास पहुंच गए हैं एंड गाड़ी वहां लगाएंगे जहां नहाने जा रहे हैं हम, बिल्कुल उसी पॉइंट पे। और भाई खड्डे आप देख सकते हो,
खतरनाक वाले हैं। ऑफ रोडिंग चल रही है इसके साथ भी, ऑफ रोडिंग विद अल्टो, बट अल्टो कैपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो इजीली इतनी इतनी तो कर लेती है ये, इसे ज्यादा कर सकती है अल्टो। चढ़ाई तो छोटी सी बात है, तो इसको हम अभी थोड़े देर टाइम में गाड़ी मॉडिफाई करेंगे प्रॉपर मॉडिफिकेशन के साथ, ले लद्दाख एडिशन बनाने वाले हैं हम अपनी अल्टो को। तो इस पे हम लगाएंगे सबसे पहले तो रूफटॉप टेंट एंड थोड़ी बहुत स्क्रैचेस वगैरह हैं वो हटवा के पूरी गाड़ी रिपेंट करवा के तगड़े तरीके से गाड़ी को दोबारा से अच्छी करके बनाएंगे एंड इंटीरियर भी अपग्रेड करेंगे इसका। एलोए तो एलोए देखते हैं, एलोए डलवाने या ड्रम वो सब कुछ करके कस्टमाइज करके तगड़े से बनाएंगे इसको हम, और इसको रखेंगे हम सिर्फ ये सब कामों के लिए ही। सो फिलहाल हम पहुंच गए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके यहाँ रुकने वाले हैं हम। और भाई ये फट्टा अभी तक मैं ठीक नहीं करवा पाया क्योंकि टाइम ही नहीं लगवा रहा, ये फट्टा अभी भी टक टक कर रहा है वैसे का वैसा। सब कोई नहीं, करवाते हैं ये भी एक साथ ही सारा काम करवाएंगे अभी फिलहाल थोड़े टाइम के बाद। पहले ब्याह शादियाँ भुगता लें लोगों की तो क्या, कज़न की ही शादी है नहीं कि अपने साइड वाला शीशा बंद कर ले बीती कटनी में गड्डी, अपना शीशा बंद कर अपना। अच्छा फिर ही बोना छेल दिता मिंजो। सो भाई इधर पत्थर है खतरनाक बड़े वाला, चैम्बर फाड़ देता ये गाड़ी का, तो गाड़ी हम उस तरीके से निकाली है हमने। ये और भाई साहब लोग नहा रहे हैं, लोग नहा रहे हैं उधर, हम भी उधर ही चलेंगे नहाने। पहले गाड़ी साइड लगाते हैं कहीं, ये तो बीच में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही होगा, इधर भी यहीं खड़ी करके जाएंगे हम। इधर गाड़ी खड़ी करके हम इधर जा रहे हैं, कोई तो नहा रहा था भाई इधर बट दिख नहीं रहा है कहाँ गया, भूत बात तो नहीं था कोई। अब जा हाँ पर जो भी था भूत प्रेत पर आंदा ना भी अच्छा हाँ ठीक है ना 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 उस तक ज्यादा पानी चाहिए इन्ने पानी पर सरवाइव नहीं कर सकती हो। तो भाई इधर ही हम कभी कभार बाइक धोने भी आते थे, ये वही वाली जगह है, पानी ठीक ठाक ही है भाई। कुछ तो था यार कहाँ गया अभी एक सेकंड पहले, क्या ड्रामा हो गया अपने साथ भाई। पानी तो ठंडा है बट थोड़ा सा खतरनाक भी लग रहा है, कोई नहीं हम कौन से कम है यार। कोई तो था नेक्स्ट था यार कोई, यार भाई क्या हुआ, मैं समझ ही नहीं आया क्या हुआ ये। वो देखो पानी की छिटियां तो अभी भी है, इधर से कोई क्रॉस हुआ है अभी है वो आगे हुए भाई, कोई तो इधर से क्रॉस तो हुआ है, ये देख रहे हो आप कोई तो था। और ये नेक्स्ट भाई साहब इधर नहा रहे हैं हम, और मजा आ रहा है, ठंडा हवा आ रही है बिल्कुल ठंडा, और खतरनाक नेक्स्ट वहां पे बह रहा है पानी में। भाई फुल ऑन एंजॉय चल रहा है, फुल ऑन मजा भाई साहब। उस वाली तरफ फ्लो है ना पानी का, इतना तेज बहाव है मतलब जंप करो वो सीधे उधर फेंक रहे जाके। तो भाई कल मजे आ रहे हैं मजे, पानी का फ्लो ज्यादा है, नहीं तो मैं फोन लेके चले जाता बट फोन गिर गया तो हाथ नहीं आएगा फिर। चलो भाई ना फिर भी थोड़ा सा तो हम ठीक ठाक गंदा फ्लो है ना। तो भाई इतना डूब रहा हूँ इधर, मैं आगे ज्यादा डीप है बट वहां पे फ्लो ज्यादा है, मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। ओ भाई साहब ये भाई बहते बहते बह रहा हूँ मैं पानी में भाई साहब, और इसके बाद है नीचे फ्लो खतरनाक वाला, मजे आ रहे हैं भैंसों की तरह नहा रहे हैं हम।
जैसे वैसे करती है उसी तरीके से। पानी इतना क्लीन नहीं है कि अंडर वाटर लेके जा सकूँ इसको। वो कभी करेंगे स्विमिंग पूल में एक्सपेरिमेंट इसका। और भाई साहब फेल हुआ एक्सपेरिमेंट तो क्या ही कर, कुछ नहीं हो सकता है। वैसे तो वाटरप्रूफ है, बट वाटरप्रूफ तो नहीं आता है वैसे कोई भी। चलो बोल रही है कंपनी कुछ नहीं होगा पानी से, तो क्या हो जाएगा। 33 फीट तक की कंपनी क्लेम कर रही है कि 33 फीट तक पानी ये सहन कर सकता है प्रेशर पानी का। तो करेंगे एक्सपेरिमेंट, बट फिलहाल नहाते हैं एंजॉय करते हैं, बाकी दिखाते हैं आपको आगे क्या चल रहा है। सो भाई नहा लिए हम, नहा धो के दोबारा से कपड़े उपड़े पहन के फिर निकल रहे हैं अभी यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ तो क्या घर ही जाने का प्लान है, बट टहलते हैं कहीं और। भाई साहब रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, डिफिकल्ट मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस सीधी सुनी खुदाई हो रखी है। और है मिट्टी ही मिट्टी, और मिट्टी मिट्टी क्रॉस करके आ लिए आगे हम, और वो वहां सामने खड़ी है अपनी गाड़ी। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करेंगे एंड क्या ही करेंगे, चलेंगे वापिस और क्या करेंगे। सो गाड़ी मुड़ेंगे कैसे, मुड़ जाएगी है जगह, कोई दिक्कत वाली बात। ये खड़ी है सामने अपनी धनो भाई, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा आगे लेके थोड़ा सा इस तरफ रिवर्स लेके गाड़ी निकल जाएगी इजीली। सो बैठते हैं गाड़ी में, पहले कीज ढूंढी जाए। सो भाई नहाने के बाद आए थे हम इधर, लोकेशन आपको दिखाते हैं, तगड़े वाली लोकेशन है अपने एक गांव के पास में ही, एक और गांव है वहां पे। भाई साहब कुछ इस तरह की लोकेशन, यहां से सामने पहाड़, आज मौसम थोड़ा इस तरह का है, कुछ धूल धूल सी उड़ती दिख रही है सभी तरफ, बट भाई क्या सही जगह है इधर। हवा चल रही थी ठंडी, तो हम लोग 10 मिनट बैठे गाड़ी के बोनट पे एंड हवा वगैरह खा के अभी वापस घर के लिए निकल रहे हैं। सो फिलहाल चलेंगे घर, और भाई तगड़ी लोकेशन है ये, खेतों के बाहर बाहर से बना हुआ है रोड, और हर कुछ वाला छोटा छोटा सा रोड है, बट हर कुछ मज़ेदार वाली लोकेशन है। ओ भाई साहब वापस पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव, टावल शोल्डर पे लटका के एंड नाउ घर जा रहा हूं, गाड़ी साइड पे लगा के। यहां से 2 मिनट का रास्ता है वॉक करके घर तक का, और गोप्रो वगैरह सब ये हाथ में सामान लेके ना हो घर पहुंच रहा हूँ अभी 2-4 मिनट में। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रही तो, क्योंकि आज इतना कुछ वो एक्टिविटीज़ थी नहीं अपनी कोई खास, तो उतना ही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाकी देखते हैं संडे को क्या करना है, संडे का कोई प्लान नहीं है फिलहाल, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो संडे का देखते हैं क्या है क्या नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग। और भाई मौसम हुआ पड़ा है बिल्कुल बर्बाद, ख़राब, मतलब हिसाब ही नहीं है, कोई चिपकू सी गर्मी होती है ना, वो पसीने आता है चिपकू सा, बस वो चल रहा है इस तरीके का कुछ मौसम हुआ पड़ा है। और हल्के हल्के बादल भी है और धुंध सी सारी तरफ, पता नहीं क्या ही मौसम है। और भाई हालत ख़राब करी है मौसम ने खतरनाक वाली, और मैं तो भाई भूत लग रहा हूँ इस लाइट में। चलो कोई नहीं, तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।